तो ये वाला जो वीडियो है उसको मैंने बहुत ही सिंपल करने की कोशिश की है, जहां पे आपसे मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि इन प्रोडक्ट्स को आपको पर्टिकुलरली नहीं लेना चाहिए, और इनको नहीं लेना चाहिए तो आपको इनकी जगह कौन से परचेज करनी चाहिए, और कुछ मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है जो आप लोगे तो डेफिनेटली आपको, हाँ उनसे बेटर तो डेफिनेटली आपको इस साल में तो नहीं देखने को मिलेंगे। और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहां से परचेज करने पर आपको तो कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन चैनल को ना थोड़ा सा एकदम हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहला जो फोन है वो है MI 11 Lite 4G। इस फोन को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इसकी जगह MI 11 Lite 5G न्यू एडिशन आ चुका है, जहां पे आपको इसके लिए प्राइस पे करने पड़ेगी 23,499 रुपीज। तो जो 4G वाला वेरिएंट है ना, इसको कोई भी ना खरीदे, एटलीस्ट जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनमें से जाके तो कोई मत खरीदना, वरना मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, क्योंकि इस फोन की प्राइस में ही आपको 5G देखने को मिल जाएगा, बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, सब कुछ ही बेटर देखने को मिल रहा है, तो आपको 4G के साथ क्यों जाना है। उसके बाद है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 4G। 4G की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको भी आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, भले ही आपको 30,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाए, 25 में देखने को मिल जाए, क्योंकि इसकी जगह ना स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर के साथ हमको 5G देखने को मिलता है। तो स्नैपड्रैगन 865 के साथ जो 5G फोन देखने को मिल रहा है ना, वो आपको 33,999 में देखने को मिल रहा है। तो 4G को बिल्कुल कट कर दो, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, 5G के साथ चले जाना, बहुत बेटर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये। और उसके बाद जो तीसरा फोन है ना, वो है OnePlus Nord CE। अब OnePlus की कहानी वैसे ही थोड़ी सी खराब चल रही है इस वक्त के लिए, लेकिन जो Nord CE है ना, उसकी कहानी तो और ज्यादा खराब है, जब लॉन्च हुआ था तब से ही खराब है। अब ये फोन है ना, किसी भी चीज को अगर आप देखोगे ना, तो ये OnePlus का फोन किसी एंगल से नजर आता ही नहीं है, आपको इसमें कुछ भी खास नहीं देखने को मिल रहा है, ना इसमें अलर्ट स्लाइडर है, ना इसमें उतनी कमाल की बिल्ड एंड लुक है, तो इसको आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। यह आपको 30,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा इस वक्त, लेकिन इसकी जगह अगर आप IQOO G5 5G के साथ जाओगे ना, बहुत कमाल डील है ये, आपको 22,500 रुपये में देखने को मिल जाएगी, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। या फिर आपको एक बहुत ही कमाल का UI चाहिए ना, तो सैमसंग गैलेक्सी M52 5G के साथ चले जाओ, ये स्नैपड्रैगन 778G के साथ आता है, और इसमें वो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो इस OnePlus Nord CE से तो बहुत फार बेटर है। तो यहाँ पे ये वाला फोन आपको 24,999 में देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो M52 5G, या फिर उतने में ही या थोड़ा कम करके लेना है तो IQOO G5 5G आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद है Realme 8 5G। अब ये जो फोन है वो Dimensity 700 के साथ आता है, डेफिनेटली ये इस प्रोसेसर के साथ ऐसा कुछ भी Realme ने खास नहीं किया है कि जो ये फोन बिकने लायक हो इस प्राइस में, तो डेफिनेटली नहीं है। तो किसी को 5G फोन चाहिए ना, तो इस Realme 8 5G के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। Realme 8 4G जो है ना, वो आपको डेफिनेटली बहुत ही कमाल की वैल्यू देगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, उसके साथ फास्ट चार्जिंग भी कमाल की है। बस जो बैक है ना इसका, वो इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल अगर उसके साथ आप बैक कवर वगैरह से मैनेज कर सकते हो ना, बहुत ही कमाल की डील है 4G वाला, 5G वाले के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। और उसके बाद अगेन एक डिवाइस आता है Realme Narzo 50i। ट्रस्ट मी, ये जो 50 सीरीज आई है ना, वो क्यों निकाली गई है मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आया था, और आज इनके ऊपर बड़े बड़े सेल्स के बैनर लगाए जा रहे हैं वो भी मुझे आज बिल्कुल भी नहीं समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे जो Realme Narzo 50i है, अब इसकी हकीकत मैं आपको बताऊं तो आपको इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके प्रोसेसर वाले सेक्शन पे जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप उस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा SC9863A। आप इसको डिकोड कर लो, ये कौन सा वाला प्रोसेसर है, किसी जमाने में आया करता था। तो इस प्राइस रेंज में इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद Realme 50A जो है वो भी G85 के साथ आता है, और आपसे ऑलमोस्ट 10,000 रुपये 9,000 रुपये वसूले जाएंगे, उसको भी आपको नहीं कंसिडर करना है। कंसिडर कौन से करना है, अगर आपका बजट है 6,000 रुपये का, 6,500 रुपये का, पोको C3 ले जाओ, बहुत ही कमाल की चीज़ है। और Realme की जो C सीरीज है ना, उसमें भी जो स्टार्टिंग के फ़ोन है ना, वो बहुत ही कमाल के हैं, उनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर बजट बढ़ाओ, 8,000 के लगभग, 9,000 के लगभग, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है Micromax InNote 1। बहुत ही कमाल का फ़ोन है, पहले प्राइस ज़्यादा थी, अभी थोड़ी सी कम है, आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, कुछ कमियां थी माइक्रोमैक्स ने फिक्स की हैं, डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी M12 जो है वो आपको 8,500 रुपए की प्राइस में देखने को मिल रहा है, ये 11,000-12,000 रुपए का फोन 8,500 में देखने को मिल रहा है। और आपके घर वालों में अगर किसी को देना है, किसी बुजुर्ग को देना है, या फिर आप भी अगर सैमसंग का फोन यूज करना चाहते हो, बजट इतना ही है, तो 8,500 रुपए की प्राइस में बहुत ही कमाल की डील है ये वाली। और उसके अलावा पोको M2 Pro काफी पहले लॉन्च हुआ था, और जब लॉन्च हुआ था 13,000 रुपए की प्राइस में बिल्कुल हिट स्मार्टफोन था, आज वो 10,799 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा,
कार्ड्स लगाने के बाद। अब कार्ड तो यार आपको मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं कल संडे की बात बताऊं तो मैं खुद ही कार्ड्स के चक्कर में ना बहुत सारे लोगों को फोन कर रहा था, और डेफिनेटली जब आप मांगने में बिल्कुल बेशरम हो जाते हो ना, तभी आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। तो मैंने अपने वाले से सब कुछ कर लिया था, उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स करने थे, तो मुझे अलग अलग लोगों के कार्ड मांगने पड़े। तो डेफिनेटली अगर आपको बहुत सारे डील्स चाहिए, बहुत कमाल की डील्स चाहिए, तो उसके लिए कार्ड्स तो मांगना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद जो अगले फोन है वो है वीवो की वी सीरीज, ओप्पो की एफ सीरीज। डेफिनेटली इन पे कोई भी प्राइस कट नहीं हुआ है जो मेजर ऐसे दिखाए कि हाँ बहुत ही ज्यादा छूट इसमें हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो दोनों फोन्स हैं, फोन कंपनीज हैं ना, वो हमेशा अपने फोन्स को बेचती हैं ऑफलाइन में, और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है सेल्स वेल्स में, बाकी सबकी प्राइस कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा बिक जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन मार्केट उनका चलता रहेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि जो बिग बिलियन डे है या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, उन पे आधी आधी प्राइस पे अभी के लिए स्मार्टफोन बिक रहे हैं, तो लोगों को जब पता ही नहीं होगा तो वो पूरे प्राइस वाले ही देखने को मिलेंगे उनको, और जब पूरी प्राइस उनको मिल रही है तो ओप्पो और वीवो क्यों अपने प्राइस को कम करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही कोई मेजर डील नहीं है, तो आप इनको बिल्कुल से कट करना एटलीस्ट सेल टाइम। तो ये इतने सारे स्मार्टफोन हैं जिनको आपको बिल्कुल भी कट करना है। उसके अलावा कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो आपको सेल्स पे देखने को मिलते हैं, जैसे टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, उनके जैसे कुछ ऐसे डील हैं जो हाँ देखने लायक हैं लेकिन मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। कुछ डील्स हैं जिनमें मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और उनको मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कवर किया है। यहाँ पे आपको मैं फिर मोटा मोटा सा बता देता हूँ, iPhone 12 mini बहुत ही कमाल की डील है, ये इसको आप कंसिडर कर सकते हो। Samsung S20 FE5G जैसे मैंने आपको बताया, इसको कंसिडर कर सकते हो। Realme GT Master Edition है, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। MI 11X 5G उसको कंसिडर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 20-21,000 रुपए के प्राइस में, बहुत ही किलर डील है। उसके अलावा ओप्पो रेनो 6 ऑलमोस्ट 30,000 की प्राइसिंग में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये अभी के लिए आपको 23,990 रुपीज़, मतलब 24,000 रुपए इससे कम की प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। इसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो अगर आपको एक बेस्ट कैमरा चाहिए, उसी के साथ परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक चाहिए, या फिर आपके लिए डिस्प्ले बहुत ही प्रायोरिटी है और कैमरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो बहुत ही कमाल का फ़ोन है ओप्पो रेनो 6। उसके अलावा रेडमी नोट 10 प्रो, अब Redmi Note 10 Pro है वो भी अपने आप में बहुत ही कमाल की डील है, 15,499 रुपए में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, स्नैपड्रैगन 732G आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। Motorola G40 Fusion बहुत ही कमाल की डील है, ये आपको देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट 11,500 रुपए की प्राइस में, 4GB 64GB वाला, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। मैंने खुद जो है इसकी दो यूनिट बाई किए हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो। और उसके अलावा मैं आपको एक प्रीमियम डील बताता हूँ, Samsung Galaxy Note 20, ये फोन ट्रस्ट में 75,000 रुपए का फोन है, लेकिन आपको अभी सेल्स में देखने को मिल रहा है 41,999 रुपए में कार्ड्स लगाने के बाद, और ये सारी डील्स मैंने आपको बताई कार्ड्स लगाने के बाद ही हैं, तो डेफिनेटली आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये सारी डील्स हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से सीधा क्लिक करके आप अपने डील्स पे पहुंच सकते हो। तो वैसे यार आज की जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाती है, आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ काम की डील्स आपको देखने को मिली होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब एज यूजुअल, हैव फैंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।